दोस्तों, ये समस्या आई थी 12 दिसंबर को, जब पहली बार डेमोलिशन ऑर्डर आया। और ये जो ऑर्डर था लगभग 3 से 4 हज़ार मकानों के लिए, और 30 से 40 हज़ार लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे। जैसे ये ऑर्डर आया, पूरे इलाके में इसको चिपका दिया गया। उसके बाद में वहाँ पर दहशत का माहौल बन गया। बहुत सारे लोग आके मुझसे मिले, क्योंकि हमारे सोमनाथ भारती जी DDA मेंबर है। सब लोगों के साथ में मैं इनके पास पहुँचा, और इन्होंने DDA में जब टाइम फिक्स किया और वहाँ जाकर इसकी इंक्वायरी की कि ये क्या है, क्यों ये इतना बड़ा डेमोलिशन ऑर्डर आपने दिया है, तो उन्होंने बताया कि कोई डिमार्केशन हुई है नई, जो कि DM साउथ ने की है। उस डिमार्केशन के बारे में भी जब हमने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश की तो उन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हमने DM साउथ से उसको हासिल किया। उसके बाद में ये मुद्दा हम लोगों ने विधानसभा में भी उठाया, सोमनाथ भारती जी, मैंने भी, और सभी हमारे आतिशी जी भी इस मामले में इन्वॉल्व हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरह से डेमोलिशन था। और ये डेमोलिशन केवल झुग्गी झोपड़ी का नहीं था, इसमें मल्टी स्टोरीज बनी हुई है, जहां पर 200 से 250 मल्टी स्टोरी मकान बने हुए हैं, 30 से 40 साल पुराने मकान हैं। आज जहां पे डेमोलिशन चल रही है भूल भुलैया चौक पर, वो सामने आप देख सकते हो बस टर्मिनल के सामने, वो 40-50 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं। और वहाँ पर सियाराम स्वीट्स फेमस है, पहलवान ढाबा, ऐसे पुरानी पुरानी इमारतें हैं जिनको ये लोग गिरा रहे हैं। जब ये विधानसभा में उठा, उसके बाद इसका प्रोटेस्ट किया, तो हमें लगा कि शायद ये मुद्दा अलजी साहब तक पहुँच गया, कि उन्होंने इसको रोक दिया होगा DDA के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे। और यहाँ केवल झुग्गियाँ नहीं थी, यहाँ पर सभी तरह के लोग थे। इसमें निरंकारी भवन आता है, इसमें क्रिश्चियन वाला एरिया आता है, इसमें जो गुरुद्वारे के आसपास का एरिया आता है, मंदिर वाला एरिया आता है, बहुत सारा ऐसा एरिया इसमें आता है, लेकिन वो दबा नहीं। अचानक 9 तारीख को जब हमें एक लेटर मिला कि इन्होंने फोर्स मांगी हुई है लोगों को, ये दिल्ली पुलिस से कहीं से मिला कि 10 तारीख से डेमोलिशन होगी, तो तुरंत जैसे ही ये हुआ, तुरंत हम लोग फिर दोबारा सोमनाथ भारती जी के पास पहुँचे। सोमनाथ भारती जी ने CM साहब की नॉलेज में ये मुद्दा लेके आए, और नेक्स्ट डे हमारे जो रिवेन्यू मिनिस्टर है कैलाश गहलोत साहब, उनके साथ में मीटिंग करके एक मीटिंग नोटिस निकाला गया कि ये सारा का सारा बेस एक डिमार्केशन के ऊपर किया जा रहा है, और DM साउथ का उसमें नाम आ रहा है। तो हमारे CM साहब ने बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हमारे रिवेन्यू मिनिस्टर को कि इस डिमार्केशन को आप देखिए, रिव्यू कीजिए, और इसको अगर ये गलत हुई है तो इसको कैंसिल करिए। 10 तारीख को मीटिंग नोटिस किया गया, DM साउथ को बुलाया गया, सारा मैटर डिस्कशन हुआ, रिवेन्यू मिनिस्टर ने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए। इसमें सोमनाथ भारती जी, क्योंकि DDA मेंबर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, एज ए एडवोकेट, एज ए मेंबर DDA, आपने पूरा मामला टेकअप किया बहुत सीरियसली। उसके बाद में नेक्स्ट डे यानी 11 तारीख को ये ऑर्डर निकाला गया, जिसमें रिवेन्यू मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि ये जो डिमार्केशन जो की गई है DM साउथ के द्वारा, इसको निरस्त कर दिया जा रहा है, और नए सिरे से ये सारी की सारी डिमार्केशन होगी। ये इन्फॉर्मेशन जब हम लोग साइट पे जैसे तैसे पहुंचे, वैसे तो नाकाबंदी कर रखी है इन्होंने चारों तरफ से, जहां साइट चल रही है वहां जाना भी एक तरह से बहुत मुश्किल है, अगर आप कहीं से भी जाएंगे तो उसी कॉर्नर पे रोक देंगे। लेकिन हम जैसे तैसे पहुंचे 3-4 लोगों को लेके, तो हमें अरेस्ट कर लिया गया, फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया, पूरा दिन हम वहां बैठे रहे। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे जब मीटिंग हुई और माननीय केजरीवाल साहब ने स्पष्ट तौर पे माननीय कैलाश गहलोत जी को कहा, तो ये ऑर्डर आ गया। शाम होते होते ये ऑर्डर आया, तो हमें लगा कि शायद अब जो DDA कह रहा है कि ये सारा का सारा डिमार्केशन बेस्ड है, वो समाप्त हो जाएगा और रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं रुका। कल संडे का दिन था, कल भी वहाँ पर पूरी तरह से पूरा डेमोलिशन करते रहे, और आज इस ऑर्डर के होने के बावजूद भी वहाँ पर डेमोलिशन नहीं रोका जा रहा है। आज हमारे माननीय सोमनाथ जी LG साहब से मिले, आप सब जानते हैं DDA LG साहब के अंडर हैं, LG साहब DDA के चेयरमैन हैं। ये पूरा का पूरा मुद्दा DDA और LG के अंडर का ही है, ये कहीं दिल्ली सरकार का नहीं है। दिल्ली सरकार का नाम आया केवल डिमार्केशन के ऊपर, जो डिमार्केशन रिपोर्ट थी, डिमार्केशन के बारे में हमारे जो क्षेत्रीय MP हैं उन्होंने भी संसद में मामला उठाया कि DM साउथ ने डिमार्केशन की है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के घर टूट रहे हैं। जब वो डिमार्केशन रिपोर्ट खारिज कर दी गई, उसके बाद में क्या रह जाता है? माननीय केजरीवाल साहब ने एकदम स्पष्ट ऑर्डर दिलवा दिया है, दे दिया है, लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, ये सारा ऑर्डर लोग दिखा रहे हैं कि जिस डिमार्केशन के बेस पे आप लोग
इस डेमोलिशन को कर रहे थे, जो आपकी जो लाइन थी लद्दा सराय और मेहरोली के अंदर की, अब वो तो खत्म हो गई, अभी तो वो डिस्प्यूटेड हो गई, उसको दोबारा से किया जाएगा। क्योंकि जो धरातल पे आप देखेंगे ग्राउंड पे, वहां पर डीडीए ने अपनी दीवार कर रखी है पूरी लाइन पे, और उसके साथ में रोड निकला हुआ है, और उसके बाद में सारी बिल्डिंग्स हैं। आज सारी की सारी बिल्डिंग्स वहां पर वो एक लाइन बदलने की वजह से ये डीडीए लैंड बोल रहे हैं, तो ये एकदम से मेहरोली के साथ बहुत बड़ा अन्याय।